पुलिस टीम ने दरगाह परिसर से किडनैप की हुई 3 साल की बच्ची दिया को गुजरात के गांधीधाम से बरामद कर लिया है। आरोपी युवक को भी पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को तफ्तीश की दिशा मिल गई। एसपी ने खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करी। पुलिस दल दोनों को लेकर अजमेर आ रहे हैं। पुलिस के अनुसार गुजरात पुलिस की मदद से बच्ची दिया को गांधीधाम में आरोपी 22 वर्षीय मोहम्मद सागिर पुत्र मोहम्मद कुसुमुद्दीन से बरामद किया गया। आरोपी ने बताया कि वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा गांव का रहने वाला है और लंबे समय से अजमेर दरगाह इलाके में मजदूरी कर रहा है। यहाँ लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे है डेयरी बूथ से हजारों की चोरी। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, एक छोटी सी बच्ची थी जो कि दरगाह परिसर से एक व्यक्ति के द्वारा ले जाई गई थी, जिस पर हमने तुरंत ही किडनैप का मुकदमा दर्ज किया था। और रात में ही, उसी रात को हमारी लगभग बहुत बड़ी टीम लगा करके तलाश का काम शुरू किया गया था। कैमरे जो भी हैं हमारे शहर में, सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है, उनको देख करके रात में ही हम लोग ये ट्रैक करने में सक्षम हो गए थे कि ये बच्ची को लेकर के किस डायरेक्शन में गया है। इसमें रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों ने भी हमारी बहुत मदद की और उन कैमरों के मार्फत जो हमारी टीम थी वो ट्रैक कर पाई कि ये व्यक्ति जो है गुजरात की तरफ बच्ची को लेकर के गया। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास डेवलप हुई उसके बेसिस पर हमने अलग अलग जगहों पर टीमें रवाना की, यहाँ तक कि बच्ची के पेरेंट्स के पास भी टीम रवाना की। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बच्ची की माँ यहाँ पर बच्चे के साथ थी पर उसका पिता यहाँ नहीं था, तो उसके पास भी टीम रवाना की गई क्योंकि माँ ने शक व्यक्त किया था कि वो भी इसमें शामिल हो सकता है। हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में जब हमें पता चला कि गुजरात में एक जगह पर बच्ची को ले जाया गया, तो हमारी टीमें उस तरफ रवाना हुई। पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी टीम ने लगातार की वो ये है कि जहाँ जहाँ पर हमारी संभावनाएँ थी, गुजरात के हर उस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के जो भी अधिकारी थे उनके पास में बच्ची के फ़ोटो शेयर किए गए, उस मुलजिम के फ़ोटो शेयर किए गए जो बच्ची को उठा करके लेके गया था, और हमारे पास में उस पर इनपुट आना शुरू हो गए। एक दो इनपुट ऐसे भी आए जिसमें कि हमें जानकारी मिली और हमने बच्ची चेक की तो वो बच्ची वो नहीं थी। हमारे लगातार एफर्ट्स के बाद हमारी टीम जो भुज की ओर गई थी वहाँ पर जा करके हमें वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से इस मुलजिम का पता चला और हमने बच्ची को रिकवर किया। वहाँ पर प्रोसेस पूरी करने के बाद में आज हम बच्ची को लेकर के वापस आए हैं। बच्ची हमारे पास है, सुरक्षित है बच्ची, और बच्ची को उसकी माँ के पास में माँ को दे दिया गया है। प्रोसेस जो भी है उसमें विधिक प्रक्रिया पूरी करके और अब हम जो मुलजिम को लेकर के आए हैं उससे इंटरोगेशन कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या मकसद था वो बच्ची को किडनैप करके क्यों ले गया। प्रथम दृष्टया क्या लगा? देखिए, प्रथम दृष्टया जो अभी तक समझ में आता है, बच्ची को उठा करके वो ले गया था, कहीं ना कहीं भीख मंगवाने की उसकी मंशा थी कि भीख मंगवा कर करके एक आय का साधन बनाने की उसकी मंशा नजर आती है। देखिए, ये जो व्यक्ति है इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। मुलजिम का नाम है मोहम्मद कुसुमुद्दीन चिश्ती। ये पुलिस थाना गाजल है पश्चिम बंगाल में, मूलतः वहाँ का रहने वाला है, पर पिछले काफ़ी हाँ नाम मैं रिपीट कर देता हूँ, मोहम्मद कुसुमुद्दीन चिश्ती नाम है व्यक्ति का, जो गाजल थाना पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से इस दरगाह क्षेत्र में ही मजदूरी का काम कर रहा था। इस मजदूरी के काम को करते हुए उसने दरगाह के एरिया में ये एक प्रवृत्ति देखी, एक ट्रेंड देखा कि लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर बाबा की शरण में आकर के यूं ही बस जाते हैं और लंबे समय तक वो यहाँ पर रहते हैं। उनके साथ में जो बच्चे होते हैं वो यहाँ खेलते कूदते रहते हैं और उसमें कई बार बच्चों को उसके पेरेंट्स जो हैं कई कई घंटे देख नहीं पाते। उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके इस बच्ची को किडनैप करने का प्लान बनाया और जैसे ही इसे मौका मिला इस बच्ची को उसने वहाँ से उठा लिया और तुरंत ही, जो कि हमारे रिकॉर्ड में है, बकायदा कैमराज में है, इसने तुरंत ही बच्ची को उठा करके ट्रेन पकड़ी। और स्वामी न्यूज के सभी दर्शक, तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।